नमस्कार, मैं राजेश और आप देख रहे हैं जीटीपी न्यूज। मध्य प्रदेश के उमरिया जिला मुख्यालय कोतवाली क्षेत्र अंतर्गत तीन बड़े मामले सामने आए हैं। वहीं पुलिस ने बताया कि जांच के दौरान बिलासपुर पुलिस चौकी क्षेत्र अंतर्गत गवन मामले का अपराध दर्ज करते हुए ग्राम करुआ निवासी पूर्व महिला सरपंच गौरीबाई को मौके से गिरफ्तार किया गया है एवं कार्रवाई पूरा होने के उपरांत आरोपी महिला पूर्व सरपंच को माननीय न्यायालय के सक्षम पेश करते हुए कड़ी सुरक्षा के बीच शहडोल जेल के लिए रवाना किया गया है। वही उमरिया निवासी संजीव नामदेव उर्फ मंटू को आबकारी अधिनियम के तहत धारा 34(2) पर गिरफ्तार करते हुए माननीय न्यायालय के सक्षम पेश कर उमरिया जिला जेल भेज दिया गया है। वहीं जिला मुख्यालय के कोतवाली क्षेत्र अंतर्गत विकटगंज मोहल्ला निवासी सुरेश तिवारी की शिकायत पर आरोपी गौरव वर्मा की पीयूष झरिया पर धारा 406 के तहत मामला दर्ज किया गया है एवं आरोपी को माननीय न्यायालय के सक्षम पेश करते हुए जिला जेल के लिए रवाना किया गया है। गौरतलब है कि इन दिनों जिले में आरोपियों द्वारा आपराधिक घटनाएं निरंतर बढ़ती जा रही हैं, जिन पर लगाम लगाने के लिए जिला पुलिस अधीक्षक सचिन शर्मा ने संबंधित थाना प्रभारियों को निर्देशित किया है। पेश है उमरिया से शंकर सिंह चंदेल की खास रिपोर्ट। तारीख को करीब 2 बजे और मुझे जानकारी हुआ कि गाड़ी चोरी हो गई। सर, मैं केशव वर्मा के घर गया गाड़ी पता करने के लिए, तो सर उनका लड़का बोला गाड़ी तुम्हारी चोरी चली गई। उनके घर भी गया, उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया। फिर मैंने थाने का वो लिया, थाने गया, थाने में FIR करवाया, FIR आई हुई। उसके बाद उसको करीब 10 दिन से ढूंढा ही मचाया, मिल नहीं रहा था। जाके आज हमको मिला है आधा घंटे पहले, घर दारू वारू पी रहे थे, वहाँ पता चला कि उन लोग बैठ के पी रहे हैं। जा करके हमने उनको पकड़ के लेके आया और ला के थाने में वो किया, सुपुर्द किया। देखिए, उमरिया जिले के अंतर्गत कई जगहों पे जहाँ पे अपराध कारित हुए हैं, पुलिस के जो अधीक्षक हैं सचिन शर्मा जी, उनके कुशल नेतृत्व में पुलिस बहुत ही तत्परता के साथ में आज अपराधों की रोकथाम कर रही है और संबंधित जो आरोपी पकड़े जा रहे हैं। जैसे अभी मामला आया है कि करुआ गांव की जो पूर्व सरपंच हैं गौरीबाई, उनके खिलाफ गबन का आरोप था, जिस पे पुलिस ने कार्रवाई करते हुए शहडोल में जो न्यायालय है शहडोल जेल में उन्हें भेज दिया गया है। न्यायालय से विचाराधीन था, न्यायालय ने उनको वहाँ भेज दिया है। दूसरा, दो बाइक चोर जो कि बिकटगंज से चोरी की जो बाइक थी उसके आरोप में पकड़े गए हैं। इसका जो एक पूरा लब्बुल हुआ है वो ये है कि जो अपराध थे उनमें रोकथाम हुई है और अच्छे तरीके से उमरिया पुलिस इसमें काम करी। हम उन्हें धन्यवाद देना चाहते हैं एक नागरिक होने के नाते। उससे पूछा कि गाड़ी भाई देव, मेरे भतीजे कहाँ है गाड़ी, तो बोला तुम्हारी गाड़ी को पीयूष झारिया करके है वो मेरे ले गया है गाड़ी चुरा करके, पीयूष झारिया। अब वो पता करने लगे, जब नहीं दो तीन दिन पता किए, जब नहीं पता चला साहब, तो फिर हम थाना में रिपोर्ट लिखवाए, थाना में रिपोर्ट लिखवाए। फिर आज कुछ ऐसे मोहल्ला वालों के द्वारा पता चली कि पीयूष झारिया बरसा पेट्रोल पंप के पीछे सगवंधिया में बैठ के दारू पी रहा है। तो हम बच्चों को भेजे, चलो उसको भाई पकड़ो और पकड़ के ला के पुलिस के हवाले करो। सभी बच्चे लोग, उसके दोस्त लोग 4-6 जन मिल के गए, उसको पकड़ के ला करके पुलिस के हवाले हमने पुलिस कोतवाली थाना उमरिया में उसको। ये हम अपने जिले में ये महसूस कर रहे हैं कि जो आपराधिक गतिविधियाँ हैं उनके ऊपर पुलिस अधीक्षक महोदय की नेतृत्व में बड़ा शिकंजा कसा जा रहा है और बहुत जल्द ही अपराधी हिरासत में लिए जा रहे हैं। इसी कंटिन्यूएशन में एक मामला जो पता चला, जो करुआ ग्राम की कोई महिला है जो पहले से ही पंचायत में रही हैं, उनके दौरान का कोई गबन का मसला है, उनको भी हिरासत में लिया गया है। और दूसरा एक और जो मसला बताया गया कि जिसमें कोई मोटरबाइक के चोरी के लोग हैं, क्योंकि वस्तुतः है ऐसा अपराध करने वाले लोग, उनका कोई रैकेट होता है और वो पकड़ में नहीं आते हैं, तो ये बहुत ही त्वरित ढंग से उन लोगों को गिरफ्तार किया गया है। और तीसरी बात ये कि जो ये हमारे में कुछ ऐसे लोग हैं जो अवैध शराब का कारोबार करते हैं, उनके खिलाफ जो ये 34(2) का अपराध पंजीबद्ध हुआ है, ये सब बड़ी कामयाबियां हैं। इससे मुझे लगता है कि समाज के अंदर एक अच्छा संदेश जाएगा और सौहार्द का वातावरण निर्मित होगा और जो अपराधी प्रवृत्ति के लोग हैं उनके ऊपर अंकुश लगेगा और समाज में खुशहाली से जीने के अच्छे अवसर प्राप्त होंगे। पुलिस के मैं इन सभी प्रयासों की प्रशंसा करता हूँ और उम्मीद करता हूँ कि ये उनके इन प्रयासों से जो अपराधी हैं उन्हें जो उनके खिलाफ जो उचित कार्रवाई होनी चाहिए वो तमाम सारी कार्रवाइयाँ भी हो पाएंगी। बिलासपुर चौकी
के अंतर्गत में गौरी बाई भूतपूर्व सरपंच रही और उसका मामला आया कि वो गबन किया हुआ पंचायत के पैसे का, पंचायत के कार्य करवाने हेतु आए हुए राशियों का दुरुपयोग किया है। इस आधार पर पुलिस चौकी बिलासपुर और पुलिस उमरिया के पुलिस अधीक्षक महोदय के निर्देशानुसार उसको गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार करके न्यायालय में भेजा गया। न्यायालय ने उसके अपराधों के तथ्यों को देखते हुए जेल तक पहुंचा दिया है। अधीक्षक महोदय एवं प्रशासन की अब विशेष पहल इस समय चल रहा है। अभी वर्तमान में नामदेव के द्वारा अवैध रूप से शराब बिक्री की जा रही थी और उसकी सूचना पुलिस प्रशासन को मिली और पुलिस प्रशासन सख्ती से कार्रवाई करके उसको भी गिरफ्तार किया और गिरफ्तार करके न्यायालय में पेश किया। न्यायालय ने उसको उचित कार्रवाई के आधार से उसको भी जेल पहुंचाया। गाड़ी साइकिलों का चोरों का कुछ गिरोह सक्रिय है और गाड़ियां चुराते हैं, साइकिलें चुराते हैं, तो ऐसे अपराध में भी दो चोर विकटगंज क्षेत्र के पकड़े गए हैं जिनके द्वारा कई वाहनों का बयान हुआ है और उन पर भी उचित कार्रवाई और सख्त कार्रवाई की जा रही है और उनसे उचित पूरा जो भी है जैसा है बयान लेकर के और भी चोरियों का खुलासा हो सकता है, ऐसा हो सकता है। और पुलिस इस संबंध में विशेष रूप से कार्रवाई करते हुए संलग्न है। पुलिस कार्य में अपने बिल्कुल दक्षता के साथ, कुशलता के साथ में कार्य कर रही है और मुलजिमों को न्यायालय तक भेज दिया गया है। न्यायालय में जाने के बाद में उचित न्यायाधीश महोदय के द्वारा उनको दंड अपराध कायम करके दिया जाएगा। देखिए, मेरा आदिवासी सरपंचों के मामले में प्रशासन से दरख्वास्त है कि इनके मामले जो भी आर्थिक अपराध के मामले हैं उसकी अलग तरह से इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए। हम ये देख रहे हैं कि जो भी आदिवासी सरपंच हैं वो करते कर कुछ नहीं है, लेकिन कुछ इस तरह के गिरोह के चक्कर में पड़ करके उस तरह का गमन का मामला होता है और उनको अपराधी बनाया जाता है, जबकि उसमें वास्तविक रूप में वो खेल करने वाले कुछ और दूसरे लोग होते हैं। इसलिए जब भी इस तरह के मामले आते हैं तो सिर्फ टेक्निकल मामला ना देख करके उसके और भी जो व्यवहारिक पक्ष हैं उसको पूरी तरह से देखा जाए। सरपंच का बयान के आधार पर उस पूरे कड़ी को बाहर निकाला जाए और उसमें जो वास्तविक अपराधी हैं जो सरपंच के हस्ताक्षर का मिसयूज करते हैं उन पर भी कार्रवाई की जानी चाहिए। तो मैं कहूँगा कि इस तरह के तमाम मामले हैं। अभी मानपुर जनपद के कुछ पंचायतों का मामला है जिसमें सरपंच पति खेल कर रहे हैं और उसमें भी आदिवासी सरपंच, जैसे ये करुआ ग्राम पंचायत के सरपंच गौरी भाई के विरुद्ध भी मामला दर्ज किया गया है। तो मैं चाहूँगा कि उसकी डीप इन्वेस्टिगेशन हो और उसमें जो संबद्ध सारे लोग हैं उनके ऊपर भी मामला दर्ज किया जाए और सख्त कार्रवाई। तरुआ गांव के बिलासपुर चौकी के अंतर्गत जो आता है उसकी पूर्व सरपंच को गबन के मामले में गिरफ्तार किया गया है और निश्चित रूप से ये जो है इस समय जो है पंच सरपंच उप सरपंच राहत राशियों में अमानत में खयानत कर रहे हैं। सेवा देती हूँ कुछ संजीदगी से उन्होंने इसका संज्ञान लेते हुए गिरफ्तार की हुई पूर्व सरपंच को उन्होंने शहडोल जहाँ यथास्थान महिला बंदी गृह वहाँ भिजवाया है और मैं आने वाले समय में भी ऐसी अपेक्षा रखती हूँ कि जो अपराधी है वो किसी भी प्रकार का अपराधी हो उसके बचाव की कहीं भी व्यवस्था नहीं है और उसके ऊपर निश्चित रूप से विधिक कार्यवाही होगी ही, इसलिए जनता का विश्वास और कायम हो सके। ये जिले की कोतवाली पुलिस के जो क्षेत्र के अंतर्गत आता है उसमें सुरेश तिवारी ने शिकायत की है जिसकी शिकायत पर पीयूष झारिया और गौरव वर्मन को मोटरसाइकिल चोरी के मामले में गिरफ्तार किया गया है। और इस समय जो है चूँकि लॉकडाउन है लोग एक एक पैसे के लिए परेशान है और इस तरीके से अपराध कृत्य कर लोगों को परेशानी में डालने के कारण ये जो काम किया गया है वो बहुत ही विधि अनुकूल है। इसी तरीके से एक 34-2 के मामले में गिरफ्तार किया गया है अपराधी और संजीव नामदेव उर्फ मंटू है। तो मेरा कहने का मतलब क्या है कि पुलिस जो है इस समय बड़ी प्रखरता के साथ और कुशलता के साथ अपना कर्तव्य निर्वहन करती है। तो मैं पुलिस अधीक्षक महोदय उनकी सारी टीम को बहुत 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 धन्यवाद देती हूँ। धारा 34-2 का आरोपी है संजीव नामदेव उर्फ मंटू, इसको कल गिरफ्तार किया गया। काफी दिनों से फरार चल रहा था, गिरफ्तार निकल के इसको पकड़ा गया है और गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया गया। जेल मानव मंडी में जेल दाखिल किया।